यस सो हम क्लास 11th नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी। लास्ट वीडियो में हम लोग ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किए थे, तो यहाँ पर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उनके सबसेट्स कितने होंगे। तो जैसे हम यहाँ लेट करते हैं, लेट कार्डिनल नंबर इन सेट ए इज एम एंड कार्डिनल नंबर इन सेट बी इज एन। तो अगर हम लोग सेट वाले चैप्टर में देखे थे कि अगर किसी सेट में सपोज ये सेट ए है और इस सेट ए में ये थ्री एलिमेंट है, तो इसमें हमें सबसेट्स अगर फाइंड करने थे तो हम सबसेट्स कैसे फाइंड कर रहे थे। सबसे फर्स्ट में नल सेट, इसके बाद एक सिंगल एलिमेंट, उसके बाद हम पेयर बना करके एलिमेंट लेते थे 1 2 2 3 3 1, और उसके बाद में जो लास्ट वाला था हमारा पूरे का पूरा एलिमेंट एक साथ। और यहाँ पे अगर इस सेट ए में देखें तो इसमें कार्डिनल नंबर कितना है, कार्डिनल नंबर इन सेट ए इज 3। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ये कितने हो जाएंगे, 2 to the power n, वेयर n इज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो 2 to the power 3 इज इक्वल टू कितना, 8। यहाँ से काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। उसी टाइप से अगर सेट ए में m एलिमेंट है, सेट बी में n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 to the power। अब यहाँ पे दो सेट्स हैं और सेट ए में कार्डिनल नंबर m है और सेट बी में कार्डिनल नंबर n है, तो ए क्रॉस बी यानी दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने सबसेट्स होंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 to the power m into n। ये हमारा एक फार्मूला है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 में द फर्स्ट क्वेश्चन इज नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखें। इफ ऑर्डर्ड पेयर x/3+1, y-2/3 इज इक्वल टू 5/3, 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ऑर्डर्ड पेयर में हम लोग एक प्रॉपर्टी देखे थे कि ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर्ड कॉमा बी कॉमा ए। ये पॉसिबल होगा अगर हम ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए दोनों ऑर्डर पेयर को इक्वल दिखाएंगे, जब इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू इक्वल होंगे, मीन्स ए इज इक्वल टू बी हो जाए और बी इज इक्वल टू ए हो जाए। तो यहाँ पर भी सेम वही है, यहाँ पे हमें एक्स और वाई के वैल्यू फाइंड करना है। तो एक्स अपॉन 3+1 इज इक्वल टू कितना होगा, इस 5/3 के इक्वल होगा। एलसीएम लें यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा, x+3/3 इज इक्वल टू 5/3, 3 and 3 कैंसिल, x+3 इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। और इसका हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेंगे तो y-2/3 इज इक्वल टू 1/3, इसका एलसीएम लें ये कितना हो जाएगा, 3y-2/3 इज इक्वल टू 1/3, 3 and 3 कैंसिल आउट, 3y-2 इज इक्वल टू 1, 3y इज इक्वल टू 1+2 मीन्स ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। y इज इक्वल टू कितना आया, 1।
नंबर टू, इफ द सेट ए हैज थ्री एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर टू देखना है, यानी कार्डिनल नंबर इन ए कितना है, थ्री एलिमेंट्स, एंड द सेट बी 3 4 5, यानी सेट बी क्या दिया हुआ है, सेट बी में एलिमेंट है 3 4 5, तो कार्डिनल नंबर इन बी कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, हमें सबसेट्स वाले नंबर नहीं फाइंड करना, हमें ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कार्डिनल नंबर फाइंड करना है। तो एन कार्डिनल नंबर इन ए क्रॉस बी एज यू हैव ऑलरेडी स्टडी एम इन टू एन, वेयर एम इज कार्डिनल नंबर इन ए एंड एन इज कार्डिनल नंबर इन बी, 3 × 3 इज इक्वल टू 9। नंबर थ्री, इफ जी इज इक्वल टू 7 8 एंड एच इज इक्वल टू 5 4 2, फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी। तो यहाँ देखें, सबसे फर्स्ट में हम फाइंड कर रहे हैं जी एच, तो जी क्रॉस एच क्या हो जाएगा, इस ऑर्डर्ड पेयर जी एच, या फिर ऐसे लिख लें ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, वेयर ए बिलोंग्स टू सेट जी एंड बी बिलोंग्स टू सेट एच, फाइंड कर लें तो कितना हो जाएगा, ये 7 गोज विथ 5, 7 5, 7 4, 7 2, 8 गोज विथ 5, 8 5, 8 4, 8 2, उसके बाद हमें एच क्रॉस जी फाइंड करना है, इसका क्या हो जाएगा, बी कॉमा ए, वेयर बी बिलोंग्स टू सेट एच, अब ये बी कहाँ से जाएगा, सेट एच से, और ए कहाँ से जाएगा, सेट जी से, एंड ए बिलोंग्स टू जी, ये फाइंड कर लें। तो पहले एच से जी पे चलेंगे, 5 गोज विथ 7, 5 7, 5 8, 4 7, 4 8, 2 7, 2 8। नंबर फोर, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स री राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, हमें चेक करना है कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और अगर फॉल्स है तो उसे हमें करेक्ट करना है। सबसे फर्स्ट में देख लें, जो नंबर फोर का जो फर्स्ट है, इफ पी हैज टू एलिमेंट्स एंड क्यू हैज टू एलिमेंट एंड एम, देन पी क्रॉस क्यू कार्टेशियन ऑर्डर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू इज एम एन एंड एन एम, ये क्या है, ये फॉल्स होंगे क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट तो गलत निकला हुआ है, तो आप करेक्ट निकाल लें, करेक्ट करें इसे, पी क्रॉस क्यू, पी क्रॉस क्यू क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी, वेयर ए बिलोंग्स टू सेट पी एंड बी बिलोंग्स टू सेट क्यू, तो कितना हो जाएगा, एम एन एम एम, उसके बाद ये है हमारा एन 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 एंड एन एम, ये हमारा करेक्ट हो गया। सेकेंड में देखें, नंबर टू, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, मीन्स ए हमारा क्या है, सेट ए जो है नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, एंड सेट बी क्या है, ये भी नॉन एम्प्टी सेट है, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, ये भी तो एक नॉन एम्प्टी सेट ही आएगा, नॉन एम्प्टी सेट,
अब इसी एग्जांपल में देख लें कि सेट पी क्या है, नॉन एम्प्टी है, सेट क्यू क्या है, नॉन एम्प्टी है, तो पी क्रॉस क्यू भी नॉन एम्प्टी आया। यहाँ तक तो ठीक है। सेट ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, अब यहाँ देखें इसका जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा मीन्स ए क्रॉस बी जो हम फाइंड करेंगे, तो इस ए क्रॉस बी में जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो इसी फॉर्म में आएगा एक्स कॉमा वाई, वेयर एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी। तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। नंबर थर्ड, इफ ए इज इक्वल टू, नंबर थर्ड देख लें, इफ ए इज इक्वल टू 1, 2 एंड बी इज इक्वल टू 3, 4 देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5, बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ देख लें ए क्रॉस सेट बी में एलिमेंट 3, 4 है और जिस एलिमेंट के साथ हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है वो 5 है, तो दोनों एलिमेंट में तो कॉमन कुछ है नहीं, तो ये ए क्रॉस LHS हम लेते हैं तो बी इंटरसेक्शन 5 कितना आएगा, 5। और इसमें जब कोई एलिमेंट ही नहीं है, जब सेट में दो एलिमेंट हमें दिए हुए हैं 1, 2 यानी दो एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो सेकंड वाला हमारा है उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो अगर इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि 1, 5, 2, 5 ऐसे हो जाए, तो 5 मीन्स इम्पिटी सेट है, जबकि हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हमें क्या चाहिए, नॉन इम्पिटी सेट चाहिए, और ये हमारा इम्पिटी सेट है, तो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या आएगा, एक इम्पिटी सेट ही आएगा मीन्स 5। ये हो गया RHS, यानी ये भी स्टेटमेंट क्या है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है नंबर 5, द नंबर 5 इज इफ ए इज इक्वल टू -1, 1 हमें फाइंड करना है, फाइंड a क्रॉस a, यानी हमें 3 बार यानी 2 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है उसी सेट से। तो सबसे फर्स्ट में हम इन दो का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उससे हम थर्ड वाले का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो a क्रॉस a देख लें, तो a क्रॉस a मीन्स सेट ए का ही सेट ए से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ये कितना हो जाएगा -1, ऐसे नोट कर लें कि सेट ए हमारा क्या है -1, 1 और अगेन सेट ए क्या है हमारा -1, 1 तो ये कितना हो जाएगा -1, -1 उसके बाद -1, +1 उसके बाद 1, -1 उसके बाद 1, 1। अभी तो ये ए क्रॉस ए निकला, अब हमको फाइंड करना है a क्रॉस a, यानी अब इस पूरे एलिमेंट्स का इससे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अब यहाँ देखें ये कितना हो गया, इसका पहले सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले फिर वन से निकाल लेंगे, तो इससे पहले कर लें तो -1, -1, -1 इसका देखें -1, 1, -1 फिर इसमें देख लें 1, -1, -1 उसके बाद इससे निकाल लें, ये हो गया 1, 1, -1 अब 1 से निकालें ये हो जाएगा -1, -1, 1 उसके बाद ये -1, 1, 1 और इसका हो गया 1, -1, 1 और ये हो गया 1, 1, 1। अब एक चीज़ ध्यान देंगे कि एलिमेंट्स चेक कर लें कि क्या सारे एलिमेंट्स डिफरेंट आए हुए हैं या नहीं, तो यहाँ पे एलिमेंट्स सारे डिफरेंट हैं, अगर कोई भी एलिमेंट्स रिपीट होगा तो उसे हम रिमूव करेंगे, वन टाइम ही नोट करेंगे, तो कोई एलिमेंट तो रिपीट है नहीं,
सारे एलिमेंट हमारे डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो यहाँ पर इसका ए क्रॉस ए का ये आंसर है गया। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6। इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई बी एक्स बी वाई फाइंड ए एंड बी। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है हमें, सेट ए और सेट बी फाइंड करना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हम फॉर्मेट क्या यूज करते हैं, ए कॉमा बी, वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। तो सेट ए के लिए पहले देख लें, ये ए फर्स्ट वाला एलिमेंट कहाँ से जाएगा, सेट ए से, ये ए इस सेट में आएगा, इसमें भी ए सेट ए में ही आएगा। तो हमको रिपीट तो करना नहीं है, हम सिंगल टाइम नोट करेंगे। इसमें देख लें, ये हो गया बी और ये हो गया बी सिंगल टाइम, और ये जो बी है वो बी कहाँ से जाएगा, इस सेट बी से जाएगा। सेट बी से क्या हो गया एक्स, ये हो गया वाई, अगेन एक्स, यहाँ पे वन टाइम नोट है, अगेन वाई वन टाइम नोट है, ये हो गया हमारा आंसर। द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, लेट ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4, सी इज इक्वल टू 5 6 एंड डी इज इक्वल टू 5 6 7 8। वेरीफाई दैट, फर्स्ट नंबर हमें क्या वेरीफाई करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। इसमें सबसे फर्स्ट में हम लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं, मतलब फर्स्ट हमारा जो काम होगा लेफ्ट हैंड साइड पे हो जा रहा है। तो यहाँ पे ए क्रॉस या फिर सेट ए कितना दिया हुआ है, 1 2 क्रॉस। अब बी इंटरसेक्शन सी, यानी इन दोनों में इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना है 5, ये हो गया हमारा 5। और इन दोनों का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो कितना आएगा, ऑब्वियसली 5 आएगा। अगर RHS पर काम करें तो ये ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, यहाँ पे ए क्रॉस बी निकाल लें पहले, ए क्रॉस बी 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 से देखें 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। उसके बाद है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन साइन यहाँ पर देते हैं। अब हम निकालते हैं ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, तो ये कितना हो गया 1 5 1 6 2 5, और ये कितना है 2 6। अब इस पूरे सेट, इस पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट और इस पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट में कॉमन वैल्यू देखें, इंटरसेक्शन कॉमन वैल्यू कुछ नहीं है, ये कितना आएगा 5, मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। अब देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 में A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D, ये भी हमें वेरीफाई करना है।
यानी ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट है। ए क्रॉस सी फाइंड करें पहले, ए क्रॉस सी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी तो कितना होगा, ये 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6। अब यहाँ से हम बी क्रॉस डी निकाल लें तो बी क्रॉस डी कितना होगा, 1 5 1 6 1 7 1 8, इसके बाद 2 5 2 6 2 7 2 8, नेक्स्ट में 3 से देख लें, 3 5 3 6 3 7 3 8, 4 से देखें, 4 5 4 6 4 7 एंड 4 8। अब यहाँ पर देखें, ऑर्डर्ड पेयर 1, 5 बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, इस सेट के इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, तब तो सबसेट होगा, अदरवाइज नो। 1 5 बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी एंड 1 5 1 5 बिलोंग्स टू बी क्रॉस डी। सेकेंड चेक करें, 1 6 बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी एंड 1 6 बिलोंग्स टू बी क्रॉस डी। थर्ड चेक करें, 2 5 2 5 बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी एंड 2 5 2 5, देखें इसमें कहाँ पर है, ये रहा, बिलोंग्स टू बी क्रॉस डी। थर्ड पे चेक करें, 2 6 2 6 बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी एंड 2 6 2 6 किधर है, ये रहा 2 6 बिलोंग्स टू बी क्रॉस डी। सो ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ये हमारा प्रूफ हो गया। नंबर 8 में देखें, लेट ए इज इक्वल टू 1 2, ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 3 4। राइट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी नोट कर लें, तो ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, ए कॉमा बी, वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। तो ए क्रॉस बी कितना होगा, 1 3 1 4 2 3 2 4। हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट देम, हमें ए क्रॉस बी में कितने सबसेट्स होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी, ये कितना होगा, 2 to the power m into n एंड 2 to the power कार्डिनल नंबर इन सेट इज 2 एंड कार्डिनल नंबर इन बी इज ऑल्सो 2, दिस विल बी इक्वल टू 2 to the power 4 एंड द वैल्यू ऑफ 2 to the power 4 इज 16। 16 एलिमेंट्स विल बी द सबसेट इन ए क्रॉस बी, यानी टोटल 16 एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी में। अब इसमें क्या बोला है, लिस्ट देम के लिए जैसे हम सबसेट्स फाइंड करते हैं वैसे ही हम सबसेट्स फाइंड करेंगे। अब ये आपका सेल्फ असेसमेंट, अब इसे आप खुद से सॉल्व करेंगे, जो भी हमारा सबसेट्स होगा इस ए क्रॉस बी में इसका हमें सबसेट्स निकालना है और वो सबसेट काउंट कर लेंगे, टोटल 16 होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट एन इज इक्वल टू 3 एंड एन बी इज इक्वल टू 2, इफ़ एक्स वन वाई टू जेड वन आर इन ए क्रॉस बी, फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ये भी देख रहे हैं,
कार्डिनल नंबर इन ए इज 3, कार्डिनल नंबर इन बी इज इक्वल टू 2। इफ ऑर्डर्ड पेयर यहाँ दिया हुआ है क्या, एक्स वन वाई टू एंड जेड वन आर इन ए क्रॉस बी, यानी ये ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी ये हमारा दिया हुआ है। हमें क्या करना है, फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ देखें ए क्या होगा, ए वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए, या फिर पूरा ऐसे नोट कर लें, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। तो यहाँ ए सेट ए का होगा एलिमेंट और बी क्या होगा, सेट बी का एलिमेंट होगा। ए बिलोंग्स टू ए मीन सेट ए का एलिमेंट, बी बिलोंग्स टू बी मीन सेट बी एलिमेंट। यहाँ ए कितना हो जाएगा, ए वाले वैल्यू देखें एक्स वाई एंड जेड, एंड बी कितना हो गया 1 2, अगेन 1, रिपीट हमें नहीं करना है। अब यहाँ चेक कर लें कि कार्डिनल नंबर इन ए कितना आया, 3 यहाँ पे दिया हुआ है, कार्डिनल नंबर इन बी 2 यहाँ पर दिया हुआ है, ये हमारा आंसर हुआ। सो यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे अबाउट रिलेशन।